चीजें मिले, सर्दियों में उन्हें स्वेटर मिले, ये व्यवस्था भी हर स्कूल में लागू की गई। हर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार ने इसे प्रदान करना प्रारंभ किया है। बेसिक शिक्षा परिषद में और भी अच्छा क्या किया जा सकता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में और भी अच्छा क्या किया जा सकता है, उच्च शिक्षा में भी, टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन में, कहां पर कौन से परिवर्तन करके बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, इस दिशा में जो प्रयास हुए उसके परिणाम भी हम सबके सामने धीरे धीरे करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आगे बढ़ाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास महिला गृहिणी के नाम पर हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर दिया जाने वाला इज्जत घर, परिवार की घर की मालकिन के रूप में घर की गृहिणी के नाम पर हो, और रसोई गैस का सिलेंडर भी उन परिवारों में जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी रसोई गैस का सिलेंडर होगा, उनके परिवारों में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने की और मालिकाना हक परिवार की महिला को दिलाने के बारे में जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, 1,35,00,000 ऐसे परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उत्तर प्रदेश में देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 2,61,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने में मदद मिली। 25,00,000 परिवारों को घर उपलब्ध कराने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। और यही क्रम आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में पूरे देश के अंदर नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाने, नारी गरिमा की रक्षा इसके माध्यम से करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने जो क्रम आगे बढ़ाया है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने का निश्चय किया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय राज्यपाल महोदय के सानिध्य में प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज लागू हो रही है। आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। आज के दिन पर हम लोग ऐश्वर्य, धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के पूजन के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। खास तौर पर यह दिवस धन और ऐश्वर्य कब आएगा, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी के पूजन के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। स्वास्थ्य के लिए हर परिवार में शौचालय हो, स्वस्थ भारत मिशन ने इसको प्राप्त किया। स्वस्थ भारत मिशन के माध्यम से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, यूनिसेफ के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता की एक आदत आम नागरिक के जीवन में डालने के लिए एक विशेष जन आंदोलन इसे बनाया। यूनिसेफ जैसी संस्थाएं जब इस अभियान के साथ जुड़ती हैं तो इंसेफ्लाइटिस के आंकड़े जो पिछले 50 वर्षों से नाबालिग बच्चों को असमय काल के काल में जो बीमारी ले रही थी, 2.5 वर्ष के एक अभियान ने मौत के आंकड़ों को 90% नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है यह स्वच्छ भारत मिशन और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के द्वारा दस्तक जैसी योजनाओं के माध्यम से दी गई सहायता और दिए गए सपोर्ट का परिणाम है। हमारी एक एक टीम ने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया और उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने है। और एक टीम वर्क है, इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि हम उन मासूम बच्चों को असमय काल के गाल में जाने से
बचाने में सफल हुए हैं और देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम लोगों ने एक बेहतर प्रयास इसके माध्यम से किया है। प्रदेश के अंदर जो योजना आज प्रारंभ हो रही है, इसकी एक कड़ी हम इससे पहले लागू कर चुके थे 2 वर्ष पहले, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले चरण में हम लोगों ने इसे 35,000 रुपये की राशि सहयोग के लिए सामूहिक विवाह में कन्या की शादी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। और विगत वर्ष, इस वर्ष हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपया किया है। 51,000 रुपया सामूहिक विवाह योजना में किसी भी कन्या की शादी के लिए प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है और उसी की पहले चरण की योजना है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें बालिका के जन्म लेने से लेकर के और स्नातक के किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स तक के लिए अलग अलग चरणों में 15,000 रुपये का एक पैकेज उस बालिका को उपलब्ध कराने और पेमेंट भी डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में सीधे जाए, इस दृष्टि से ये प्रयास प्रारंभ किया गया है। अक्सर एक शिकायत आती थी बालिकाओं को स्कूल न भेजने की, या बालिका पैदा होगी तो घर में जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब बालिका पैदा होगी तो बालिका पैदा होने के साथ ही जैसे ही आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 2,000 रुपये की राशि सीधे उस बालिका के नाम पर उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा और मां के नाम पर, बालिका के नाम पर 2,000 रुपये सीधे उसके अकाउंट में आएगा। तो मुझे लगता है कि बालिका के जन्म लेने पर खुशी घर में होनी चाहिए और एक उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए कि घर की लक्ष्मी घर में आ गई है, इस रूप में उसको मनाया जाना चाहिए, इस दृष्टि से यह प्रयास। दूसरा जो मैंने कहा कि बालिकाओं के प्रति उपेक्षा का जो भाव था ये दूर होना चाहिए। सरकार के सभी प्रकार के टीकाकरण निःशुल्क हैं, लेकिन बालिका है तो टीका नहीं लगाया जाता था, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था। अब ये व्यवस्था की गई है कि बालिका 1 वर्ष की होगी और परिवार सभी प्रकार के टीका अगर उस बालिका को लगाती है तो फिर 1,000 रुपये की राशि उस बालिका के नाम पर सरकार इस रूप में उपहार स्वरूप उस परिवार को उपलब्ध कराएगी कि आपने 1,000 रुपये एक उन सभी प्रकार के टीके बालिका को लगा लिए हैं, अब उसको 1,000 रुपये उस बालिका के नाम पर फिर उस परिवार को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही जब बालिका 5 वर्ष की होगी और पहली क्लास में जाएगी तो उस बालिका के पहली क्लास में प्रवेश के साथ ही उस बालिका को रजिस्ट्रेशन के साथ ही फिर 2,000 रुपये की राशि उस परिवार को प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, 6ठी क्लास में रजिस्ट्रेशन के साथ ही फिर उस बालिका को 2,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बालिका जब 9वीं क्लास में जाएगी तो प्रवेश के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस परिवार को 3,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। और जब बालिका हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कोर्स या सीनियर सेकेंडरी के बाद यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद कोई डिग्री का कोर्स करेगी तो प्रवेश के साथ ही 5,000 रुपये की राशि उस परिवार को उस बालिका के नाम पर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और ये योजना हर श्रेणी के इन बालिकाओं के लिए लागू हो चुकी है और इस लागू होने के साथ ही पैसा सीधे उनके अकाउंट में मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को धनतेरस की भी बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लागू होने पर भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। इस सामूहिक प्रयास का परिणाम सामने भी आना चाहिए और इसके लिए मैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों का भी आह्वान करूंगा कि वे सभी लोग अगर शासन की इस योजना के साथ जुड़ लें तो ये योजनाएं
उन सभी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी जो वास्तव में कन्या को एक लक्ष्मी के रूप में मान्यता देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से विभिन्न प्रकार के पोषण के अभियानों से इन बालिकाओं को, बालकों को या फिर गर्भवती महिलाओं को आच्छादित करने के सामने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, प्रदेश सरकार के इस सुपोषण मेले के कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी सराहना की है। और मैं आह्वान करूंगा कि इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम जानकारी लें, हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हमारी सरकार एक प्रयास कर रही है, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का भी आग्रह था कि हम किसी भी बालक या बालिका के 5 वर्ष का इंतजार क्यों करते हैं कि 5 साल की जब वह होगी तभी उसको हम स्कूल में, बेसिक शिक्षा स्कूल में प्रवेश देंगे, 5 साल से पहले नहीं। और उनके निर्देश पर सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में हम आंगनवाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में बदल करके हर बालक और बालिका को जो 3 वर्ष का हो गया वह आंगनवाड़ी केंद्र में आए और 1 वर्ष तक उसके पढ़ाने की व्यवस्था प्री प्राइमरी में, वहां पर उसे अच्छा पोषाहार भी मिलेगा और साथ साथ प्री प्राइमरी के रूप में अच्छी शिक्षा की, एक बेसिक शिक्षा की जानकारी वहां पर पहली क्लास में प्रवेश करने के लिए उसको हम वहां पर देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं या अगले सत्र में हम इसे लागू करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये सभी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कन्या समृद्धि के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो अभियान प्रारंभ किया गया है पूरे देश के अंदर, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह भी मददगार साबित होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर यूनिसेफ की प्रतिनिधि कंट्री हेड आज यहां पर स्वयं आई हैं, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमारी सरकार ने महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 और 3 अक्टूबर को 36 घंटे का विधानमंडल का एक विशेष सत्र भी प्रारंभ किया और विधानमंडल के सत्र को यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2015 में यूएन ने अंगीकार किया था और जिसे 1 जनवरी 2016 से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हर देश में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल पहला विधानमंडल है देश का जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा कराई और उसमें भूखमरी का सर्वथा अंत, गरीबी की का सर्वथा अंत, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, लैंगिक असमानता या किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करना, ये सभी 16 लक्ष्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हैं और राज्य सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में जो हमने अपने रोड मैप तैयार किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम निरंतर आप सबके सहयोग से प्रयत्नशील होकर के आगे बढ़ेंगे। आज एक बार पुनः मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर जिन सभी बालिकाओं को यह योजना आज प्राप्त हो रही है, अब तक लगभग 4 लाख बालिकाओं का नामांकन हुआ है और मैं सभी जिला प्रशासन से इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन का पालन करते हुए समय सीमा के अंदर इन सभी बालिकाओं को इस योजना से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। कोई भी गाइडलाइन के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाली कोई भी बालिका इससे वंचित न रहने पाए और इस बात को सुनिश्चित करना कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना न केवल यह योजना यहां पर आगे बढ़ेगी बल्कि पोषण मिशन के साथ इस योजना को जोड़ना,
आंगनबाड़ी केंद्रों को इस योजना के साथ जोड़ना, स्कूल चलो अभियान के साथ इस योजना को जोड़ना और सामूहिक विवाह योजना और अन्य तमाम प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की लगभग 50 से अधिक योजनाओं को। तो दिखा रहे थे हम आपको धनतेरस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगलम योजना की सौगात प्रदेशवासियों को दी है, साथ ही बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का शुभारंभ किया और अपने हाथों से कन्याओं के पंजीकृत पत्र भी बांटे।